नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में केबीसी शो में भाग लेने के बाद शिवलता आगमन पर जुएस चौहान का किया भव्य स्वागत। देश के मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक छोटे से गाँव गूगलवाड़ा के 20 वर्षीय युवा जुएस चौहान के गाँव आगमन पर निवास पर स्वागत स्वल्पहार के बाद गांव पर शुभ चिंतकों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। मित्र मंडल के द्वारा शॉल श्रीफल भेंट कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। गौरतलब हो कि अभी तक पहली बार क्षेत्रीय प्रतिभा के टेलीविजन के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म केबीसी में पहुंचने की उपलब्धि को लेकर गांव के युवाओं में जोश देखा गया। तो वही राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित मणिराम चौहान के द्वारा उनका स्वागत किया गया। बता दें कि ठाकुर विमलेश पटेल, योगेंद्र सिंह चौहान, बलवीर सिंह मेघराज, हितेंद्र सिंह चौहान, बड्डू सिंह, शैलेंद्र चौहान सहित सैकड़ों युवाओं की उपस्थित रहे। रायसेन से ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको केबीसी की खूब बैठने के लिए। जब आप बैठे तो कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ आपको? केबीसी में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे वहाँ से कॉल आया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था इस बात को लेकर कि मैं कौन बनेगा करोड़पति रहने वाला हूँ। वहाँ जब मैं शो में पहुँचा, शूटिंग के दौरान श्री अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात हुई। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, फास्ट फिगर फर्स्ट होते गए, और जब उन्होंने मेरा नाम दिया कि अब वॉटशीट पर हमारे सामने इंदौर से जयेश चौहान आ रहे हैं, तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और वो जो मोमेंट था वो लाइफ में कभी भी भूला नहीं जा सकता। ये तो रही वहाँ पर शूटिंग के दौरान और जो टेलीकास्ट हुआ उसकी बात, और उसके बाद भी टेलीकास्ट होने के बाद जब क्षेत्र से, समाज से और अपने शहर से जो मुझे सम्मान और मेरा उत्साह बढ़ाया गया, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से और गर्व के साथ मुझे सम्मानित करते हैं, बुलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस समय मैं खुश हूँ। एक छोटे से गांव में बाड़ी तहसील का जो गूगलवाड़ा है वो आपका पैतृक गाँव है, तो निश्चित है कि युवाओं को, शहर के युवाओं को तो काफ़ी अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा रहते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा पैतृक गांव ग्राम गूगलवाड़ा जिला रायसेन है। मेरा संबंध बहुत गांव से है, और मैं ग्रामीण युवाओं को बस यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने में सच्चाना नहीं है, कोशिश करना है, सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी। कई बार होता है कि गांव के जो युवा होते हैं आगे जाने से डरते हैं, सोचते हैं कि क्या पता हमें सफलता मिले ना मिले, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सफलता ज़रूर मिलेगी, बस आप कोशिश करते रहिए। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े मंच तक पहुँच पाऊँगा, पर कोशिश की और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। थैंक यू।